चिकन अंगारा, जिसमें आधा किलो ये चिकन है, इसको मैंने अच्छे से धो ली हूँ। और इसमें ऐड करने के लिए ये दही है, और इतना ये मसाला है, ये भुक्की मिर्ची है, इतना ये नमक है, ये हल्दी है, हल्दी पाउडर है, और ये धनिया पाउडर है, ये गरम मसाला है, और ये काली मिर्च जीरा पीसा हुआ है, ये सब इसमें ऐड होगा। और इसको, और ये मसाला है, ये 65 मसाला है, ये भी ऐड होगा। और इसको बघार के लिए इतना ये कांधा है, और एक ये तेजपत्ता है, इतना ये क्रश किया हुआ लहसुन है, और 4 हरी मिर्ची ये चीरा हुआ है, और 2 छोटे इलायची बघार के लिए, इतना ये दालचीनी है, इसमें हम थोड़ा सा 2-3 लाल सूखी मिर्ची भी ऐड करेंगे, और कलर है इसमें ऐड करेंगे। और हम गोश्त इसमें डाल लेंगे, और उसके बाद में इधर ये बेसन है, थोड़ा सा हम इतना बेसन लेंगे इसमें ऐड करने के लिए, हल्का सा 50 ग्राम के अंदाज। और उसके बाद हम इसमें मैदा है, टेस्ट के लिए थोड़ा मैदा लेंगे, और थोड़ा सा हल्का सा रवा भी डालेंगे, रवा से खाने में बहुत टेस्ट ना बढ़ जाता है, हल्का सा रवा ऐड करना है बस, ये भुना हुआ रवा है, अच्छा वाला है। और उसके बाद में अब हम ये सभी मसाला इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में ये 65 मसाला है, 2 पैकेट है, इसमें थोड़ा कम है तो इसे भी ऐड कर देंगे, और कम पड़ेगा तो इसमें से थोड़ा और हम लेंगे, थोड़ा सा और लेंगे इसमें से ऐड करने के लिए। ये हो गया 65 मसाला, ये भी ऐड हो गया है, इसमें से थोड़ा दही भी ऐड करना है, आधा दही ऐड करना है इसमें से 1.25 ग्राम। और उसके बाद में ये है कलर, कलर भी ऐड करना है। अब इसे हम अच्छे मिला लेंगे, अच्छे से थोड़ा पानी डाल करके भी मिला सकते हैं। मिलाने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद में इसको हम तेल में फ्राई करेंगे चिकन अंग। ये आधा नींबू है, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा, ये हो गया। अब इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद बनाएंगे। अब ये देखिए टोप मैंने चढ़ा दी हूँ चिकन अंगारा के लिए, थोड़ा तेल अपने हिसाब से डालना है, कितना तेल लगेगा उतना डालना है उसको फ्राई करने के लिए। तेल हो गया, थोड़ा और डालेंगे, अच्छा गर्म करना है तेल। उसके बाद में थोड़ा सा जीरा हम ऐड करेंगे टेस्ट के लिए, अब हम ये सभी मसाला इसमें ऐड कर देंगे फ्राई करने के लिए। इसको ब्राउन कलर का भूनेंगे इसको अच्छे से, ज़रा सा हम इसमें हल्का सा हल्दी डाल देंगे, जल्दी से भुना जाएगा इसके लिए। अब ये जो चिकन है मसाला में ऐड किया हुआ, इसे हम थोड़ा और अच्छे से मिला लेंगे इसको। थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं, घी से क्या होता है ना टोप में ना पकड़ता नहीं है, वो जलता नहीं है, वो बचा के रखता है उसको। अब ये हो गया ब्राउन कलर का, अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे फ्राई होने के लिए।
ये आधा किलो गोश्त है, इसे हम दो खानी करेंगे, दो बार में हो जाएगा बच गए। इस पर हम ढक्कन डाल देंगे 5 मिनट के लिए, तब तक पकेगा उसमें अच्छे से। अब ये देखिए ये चिकन अंगारा बनके हो गया तैयार। अब इसे हम निकाल लेंगे और सजाएंगे। बदन का नहीं नहीं अब ये देखिए, अब इधर इसमें ये तेल भी बाकी है और ये थोड़ा मसाला भी है और इधर भी मसाला है। तो अगर आप चाहें तो ये मसाले का सालन भी बना सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा फैमिली है तो एक दो आलू काट के डाल के फ्राई करके मसाला सब डाल के सालन भी आप बना सकते हैं। और ये देखिए इधर अभी ये बनके हो गया तैयार, चिकन अंगारा बनके तैयार हो गया। अभी इसे हम सजाएंगे थोड़ा धनिया से। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।